नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं टी लाइट कैंडल का बिजनेस के बारे में। टी लाइट कैंडल बना के आप इस बिजनेस में कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं और कितना आप अच्छे से अपना बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट में इस टी लाइट कैंडल का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डेकोरेशन के लिए यह सभी जगह पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं टी लाइट कैंडल बनाने के लिए क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए होगा, क्या क्या मशीन चाहिए होगी, पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें। टी लाइट कैंडल बनाने के लिए आपको इस प्रकार का डाई चाहिए होगा। आप इस टी लाइट कैंडल पैराफिन वैक्स या स्टेरिक वैक्स से भी बना सकते हैं। इस वैक्स को गर्म करके आपको डाई के अंदर डालना होगा। अब हम आपको डाई के बारे में बता देते हैं। डाई के दो पार्ट होते हैं, जिस तरह से हम आपको वीडियो में ओपन करके दिखा रहे हैं, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। टी लाइट कैंडल बनाने के लिए आपको जरूरत होती है टी कप की जरूरत होती है, जिस तरह की हमने आपको वीडियो में दिखाया है। ये टी लाइट पेस होता है, जिसके अंदर टी लाइट कैंडल तैयार किया जाता है। टी लाइट कैंडल के अंदर धागा मैन्युअली फिट किया जाता है। यह टी लाइट कैंडल का धागा होता है, जो कि टी लाइट कैंडल में मैन्युअली लगाया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप फोन करने में बिजी हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे कंप्लीट प्रोसेस टी लाइट कैंडल तैयार कैसे किया जाता है। टी लाइट कैंडल तैयार करने के लिए ये ऑटोमेटिक मशीन होता है और मैनुअल डाई भी होता है। दोनों प्रकार से आप टी लाइट कैंडल तैयार कर सकते हैं, मैनुअल डाई से भी और ऑटोमेटिक मशीन से भी। दोस्तों, वैक्स को गर्म करके सबसे पहले इस प्रकार की डाई में इस तरह से डाल दिया जाता है। यह एक ट्रेनिंग पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है, इसलिए हम इस पूरी डाई में कैंडल बना के नहीं दिखाएंगे, कुछ ही कैंडल आपको वीडियो में बना के दिखाए जाएंगे। हम सभी प्रकार की कैंडल बनाने की डाई और कैंडल बनाने की मशीन तैयार करते हैं। कैंडल बनाने की मशीन बनाते हैं, डाई तैयार करते हैं। आपको कैंडल बनाने की डाई लेनी है, टी लाइट कैंडल डाई लेनी है या परचेज करनी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमें व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट करके टी लाइट कैंडल डाई परचेज कर सकते हैं, टी लाइट कैंडल मोल्ड परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडल बनाने के इस बिजनेस में वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। जो एक्स्ट्रा वैक्स होता है ऊपर डाई के ऊपर से, जो हम एक्स्ट्रा वैक्स हटा रहे हैं, उसको आप दोबारा से गर्म करके फिर से कैंडल बनाने के काम में ले सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखते रहें, इसमें हम आपको पूरा जानकारी देंगे और इस टी लाइट कैंडल तैयार करने का पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि चैनल पे आप नए हैं या पहली बार आए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। टी लाइट कैंडल मोल्ड या टी लाइट कैंडल मशीन परचेज करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ही रहेगा। यदि आप उसके बाद टाइम के बाद भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके अपडेट कर सकते हैं। टी लाइट कैंडल डाई के द्वारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम धागा लगाएंगे। टी लाइट कैंडल का धागा स्पेशल होता है, जो कि रेडीमेड आपको मार्केट में मिलेगा। टी लाइट कैंडल केस और टी लाइट कैंडल धागा आपको मार्केट में रेडीमेड मिलेगा। यदि आप टी लाइट कैंडल मशीन के द्वारा या मैनुअल मोल्ड के द्वारा तैयार करते हैं, तो उसके अंदर एक टी लाइट कैंडल के अंदर एक छेद होता है, उसमें धागा आपको इस प्रकार से लगाया जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कैंडल बनाने की डाई और कैंडल बनाने का मोल्ड या कैंडल बनाने की मशीन परचेज करने के लिए वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।